तो हम बात कर रहे हैं बेटा फास्फोलिपिड की। किसकी? फास्फोलिपिड की बात कर रहे हैं। और फास्फोलिपिड का नाम यहाँ पर एग्जांपल आप जो देखोगे वो है लेसिथीन, यानी हमारे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है लेसिथीन। फास्फोलिपिड होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन, लिपिड और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। बायो मॉलिक्यूल में लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल में गलती से चले आते हैं, होते हैं, इनका साइज क्या होता है? छोटा ही होता है। दो नाम और दिए हैं, एक पाल्मिटिक एसिड और एक एराकिडोनिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं और एराकिडोनिक में 20 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं और एराकिडोनिक में 20 कार्बन आपको देखने को मिलते हैं। कार्बोक्सिल कार्बन को लेकर ये आपको देखने को वहां पर मिलता है। इसके बावजूद ऐसे ये जितने भी आप स्ट्रक्चर देखते हैं, ये सारे के सारे, चाहे वो कोई भी लिपिड हो और चाहे कोई भी फैट हो, आप उसके मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखते हो कि वो फैट है या ऑयल है। फैट और ऑयल में फर्क ये होता है कि ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक है, वो लोअर टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है, इसीलिए उसको ऑयल बोलते हैं। और फैट को मेल्ट करने के लिए आपको थोड़ा हायर टेम्परेचर की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मस्टर्ड ऑयल एक ऑयल है और कोकोनट ऑयल एक फैट है, बस नाम का डिफरेंस है, वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली ऑन दियर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी दियर मेल्टिंग पॉइंट, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे ही यहाँ पर डिपेंड करता है। तो एक बात मैंने आपसे कही कि जहाँ पर कैटायनिक एनायनिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ज्यूटर आयनिक ग्रुप, ये अमीनो एसिड में आपको देखने को मिलता है। पॉलीसेक्राइड, ग्लूकोज भी 6 कार्बन का, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का, दोनों का फार्मूला अगर आप सॉरी अगर आप देखोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कितने होते हैं? 6 कार्बन के। लेकिन राइबोज कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है, इसीलिए राइबोज या डी ऑक्सी राइबोज ये दोनों पेंटोज शुगर होते हैं। 5 कार्बन के शुगर को क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर बोलते हैं। और किसी भी न्यूक्लिक एसिड में अगर हम बात करें, चाहे वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो या राइबो न्यूक्लिक एसिड हो, उनमें पेंटोज शुगर होता ही होता है, नाइट्रोजनस बेस होता ही होता है, फास्फेट ग्रुप होता ही होता है। और कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? चेन होता है। अब डीएनए में डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का चेन होगा और आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड का चेन होगा। ये न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे हैं? ये बनते हैं पेंटोज सुगर, ये बनते हैं नाइट्रोजनस बेस और ये बनते हैं फास्फेट ग्रुप को मिलाकर बनते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते हो। सिर्फ पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनस बेस होगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और अगर उसमें फास्फेट ग्रुप हम ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। हमारे बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऐसे बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं जिनका कोई भी डायरेक्ट यूज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई डायरेक्ट यूज तो नहीं होता है, बहुत सारे का इकोनॉमिक थोड़ा बेनिफिट हम ले सकते हैं प्लांट से सिक्रेट अगर हो रहा है तो, जैसे डायरेक्ट यूज नहीं होने वाले में जैसे पिगमेंट वगैरह जो होते हैं, अल्कोलाइड्स होते हैं, मॉर्फीन कोडीन के फॉर्म में होते हैं, लेक्टिन्स में कॉन कैनावेलिन ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है 9.3, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हर ईयर, मैं बोलता हूँ। ड्रग्स में अगर आप देखोगे तो विन ब्लास्टिन, करक्यूमिन हल्दी से निकालते हैं, टर्मरिक से निकालते हैं करक्यूमिन, वो भी एक ड्रग्स होता है। दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और तमाम जगह आपको टर्पिनोइड्स भी देखने मिलते हैं, मोनोटर्पिन्स डाई टर्पिन्स,
मॉर्फिन कोडिन आपको एल्कालॉइड में देखने को मिलता है, तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और जो भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में मौजूद थे वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके साइज 10,000 डाल्टन से भी ऊपर के होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और गलती से लिपिड, ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम किसी भी सेल के कंटेंट के बारे में बात करें तो किसी भी सेल के कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा होता है वाटर, और फार्मूला होता है बेटा WPNCLI, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वाटर, उसके बाद से प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर सबसे कम जो 1% होते हैं वो होते हैं आयन, ठीक है। 60 to 90% करीब क्या होता है, वाटर, फॉर्मूला होता है क्या, WPNCLI। और प्रोटीन होता है कितना, 10 to something 15-14% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और न्यूक्लिक एसिड कितना होगा, वो होगा कितना, 5-7% होगा, ठीक है। फिर लास्ट में CLI, 3-2-1, 3% सी, 2% एल यानी लिपिड, और 1% जो होगा वो आयन होगा, ठीक है। तो ये होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन के बेटा, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड के चेन का, अमीनो एसिड अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड का पूरा चेन ये बना होता है प्रोटीन। हमारे पास या किसी के पास जो भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स आर प्रोटीनेसियस। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 प्रोटीन का बना होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम सब प्रोटीनेसियस एंजाइम होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन सब प्रोटीनेसियस हार्मोन होते हैं, यानी हार्मोन के बिना कोई काम ही नहीं चलने वाला, सब हार्मोन ही होते हैं। किसी भी एंटीबॉडी को बनाने वाला हार्मोन ही होता है, सॉरी प्रोटीन ही होता है, यानी एंटीबॉडी भी बनते हैं प्रोटीन से ही बनते हैं। किसी भी हार्मोन को रिसीव करने वाला रिसेप्टर भी प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बाकी प्रोटीन का और बहुत सारा काम होता है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है रूबिस्को, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजिनेज। रूबिस्को जो होता है मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होता है पूरे होल बायोस्फेयर में। और एनिमल किंगडम में होता है कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अगर होल बायोस्फेयर के बारे में बात करें तो रूबिस्को एक एंजाइम है, आप लोगों ने कैल्विन साइकिल में सुना होगा, और C4 पाथवे में तो होगा ही होगा, क्योंकि C4 पाथवे में C3 साइकिल भी चलती है। तो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन करवाता है, CO2 को RUBP के साथ बाइंड करवाता है, कार्बोक्सिलेशन में जो है हेल्प करता है। अगर हम बात करें बेटा पॉलीसेक्राइड की, तो पॉलीसेक्राइड टूटेगा डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड टूटेगा मोनोसेक्राइड में, इनके बीच में बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसे पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फेट ग्रुप और पेंटोस सुगर के बीच में बॉन्ड होता है फास्फोईस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड होता है फास्फोडाईस्टर बॉन्ड, दो पॉलीसेक्राइड के बीच में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर सेम तरह के जैसे ग्लूकोज 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 से कोई बना हुआ है तो वो कहलाएगा होमोपॉलीमर, जैसे सेलुलोज। टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से अगर कोई बना हुआ है तो उसको बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर। इनुलिन फ्रक्टोज का है, काइटीन पॉलीसेक्राइड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज
सब मोनोसेक्राइड हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब डाइसेक्राइड हैं। सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फिर उसी ग्लूकोज की होती है ग्लाइकोलिसिस। और याद रखिएगा, स्टार्च पॉलीसेक्राइड होता है, प्लांट में खाना स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल में खाना स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। पल पल क्वेश्चन आपके दिमाग में जा रहा है, पल पल एक एक क्वेश्चन बनता जा रहा है, पल पल आपकी तैयारी आगे बढ़ती जा रही है। ग्लाइकोजन खाना स्टोर होता है एनिमल वर्ल्ड में, फंजाई में भी खाना स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन टूटता है तो भी ग्लूकोज ही निकलता है, ग्लूकोज के ही मोनोमर्स निकलते हैं। स्टार्च टूटता है तो भी निकलते हैं, सेलुलोज भी होता है पॉलीसेक्राइड। स्टार्च के पास हेलिकल सिमेट्री होती है, उसके पास एक्टिव हेलाइसिस होते हैं जिसमें वो आयोडीन को होल्ड कर सकता है। इसीलिए स्टार्च जब आयोडीन को होल्ड करता है तो ब्लू कलर देता है, लेकिन सेलुलोज नहीं होल्ड कर सकता, इसीलिए वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता, ब्लू कलर वाला टेस्ट नहीं देता है। आयोडीन को होल्ड करने की क्षमता उसके पास नहीं होती है। अगर लिखा आ जाए बेटा एडिनोसिन तो वो न्यूक्लियोसाइड होगा, और अगर लिखा रहा है एडिनाइलिक एसिड तो वो न्यूक्लियोटाइड होगा, और अगर लिखा रहा है एडिनिन तो वो नाइट्रोजनस बेस होगा, अगर लिखा रहा है ग्वानिन तो नाइट्रोजनस बेस होगा, अगर लिखा रहा है ग्वानोसिन तो वो न्यूक्लियोसाइड होगा, अगर लिखा रहा है ग्वानालिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। बहुत फर्क है। डीएनए के पास यूरेसिल नहीं होता है, आरएनए के पास थायमिन नहीं होता है। आरएनए होता है लेस स्टेबल, सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, रिएक्टिव फॉर्म में होता है, इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो लेस स्टेबल होता है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन में चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। एंजाइमेटिक या बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, और हीमोग्लोबिन में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। दो अल्फा की चेन होती है, दो बीटा की चेन होती है, यानी यहां पर चार तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने मिलते हैं। लीनियर चेन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो है प्राइमरी, फोल्ड हो रहा है तो सेकेंडरी, और फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग बन रही तो टर्शरी, और कई सारी फोल्डिंग बन गई है तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखने मिलता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको अल्फा और बीटा दोनों स्ट्रक्चर नजर आते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट आपको देखने मिलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बल्कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल फोर्सेस ने हर लेवल पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953 और नोबेल प्राइज मिल गया था 1962 में। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा गिवन बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, एंड डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्चर एंड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928। बैक्टीरिया यूज्ड बाय देम आर स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। याद रखना कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, और हर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट के अनुसार एक कंपोनेंट दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ में टूटती रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें बनाती रहती हैं, इसीलिए हर एक उसका एक अपना खुद का टर्नओवर होता है। और बनना एनाबॉलिज्म, टूटना कैटाबॉलिज्म, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पर किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। नो रिएक्शन इज नॉन एंजाइमेटिक, एवरी रिएक्शन इज एंजाइमेटिक, बिना एंजाइम के कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन होती ही नहीं है। और यही सिंथेटिक एंजाइम जो लैब वगैरह में यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, और बायोलॉजिकल चीजों में बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। और अल्टीमेटली जो फूड होता है या कंपोनेंट होते हैं वो टूटते हैं, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। लिविंग स्टेट क्या होता है?
लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट होता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक लेता है वर्क को परफॉर्म करने के लिए। हमें डेली एनर्जी की नीड होती है, हम डेली एनर्जी नीड लेते हैं जिससे हम लोग इक्विलिब्रियम में ना मिल जाएं। तो उसी इक्विलिब्रियम स्टेट को अवॉइड करने के लिए हम लोग लगातार एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, एनर्जी लेते हैं, जिससे हम लोग एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हमेशा बने रहें। दिस इज कॉल्ड एज लिविंग स्टेट। और हमेशा एंजाइम, सारे एंजाइम प्रोटीनेसेस होते हैं राइबोजाइम को छोड़कर, एंजाइम काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं और सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं। और कोई भी रिएक्शन छोटी से लेके बड़ी तक, इवन पानी भी कार्बन डाइऑक्साइड से बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से नहीं मिल पाता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस CO2 प्लस H2O गिवन गिफ्ट्स टू H2CO3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ पर भी मौजूद जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट प्लाज्मा में मौजूद, हर एक एंजाइम जो, हर एक रिएक्शन जो होता है एंजाइमेटिक होता है। ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, हर 10 स्टेप पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की जरूरत पड़ती है। आप पढ़ रहे हो ग्लूकोज टूटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज, हर एक एंजाइम आप लास्ट में स्टेप में देखते हो कि वहां पर 3-फॉस्फोनिल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुविक एसिड में, वहां पर क्या होगा पायरुवेट काइनेज। आप देखते हो कि वहां पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाई फॉस्फेट। इसके बाद से जब 6 कार्बन से 3 कार्बन बनाना होता है यानी ट्रायोज फॉस्फेट लाना होता है, तो उस ट्रायोज फॉस्फेट को लाने के लिए भी एल्डोलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्टेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, पेप्टोन्स एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है। एंजाइम के बिना कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और एंजाइम सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एंजाइम के पास होते हैं एक्टिव साइट्स, उस एक्टिव साइट्स में जाकर सबस्ट्रेट बैठता है और वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा तब रिवर्सिबल नहीं होगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज रिवर्सिबल, बट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज नॉट रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, गोल हमारा अल्टीमेट यही है और उसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। याद रखिएगा, हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, हर एक एंजाइम का अपना क्या होता है ऑप्टिमम पीएच होता है। एक मैक्सिमम काम करेगा एंजाइम जब उसको एक बेस्ट टेम्परेचर रेंज मिलेगी, एक बेस्ट पीएच रेंज मिलेगी, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच। उसके पहले या उसके बाद उस जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कोई भी एंजाइम बेटर तरीके से काम करता है और बेटर तरीके से काम करने वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट को बैठना होता है एक्टिव साइट्स पे। एक्टिव साइट्स बिल्कुल बस की सीट की तरह हैं। बस में जितनी सीटें होती हैं उतने ही सबस्ट्रेट, उतने ही लोग बैठ पाएंगे, इसीलिए एंजाइम की संख्या लिमिटेड है। एंजाइम सबस्ट्रेट को बैठाता जाता है, लेकिन अगर बस की सीटें फुल हो गई तो कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। उसी तरीके से एंजाइम अगर बुक हो गए, सब प्रोडक्ट बनाने लगे, तो आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दोगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। एक लिमिट तक सबस्ट्रेट बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा बनता रहता है, लेकिन एक लिमिट के बाद से कंसिस्टेंसी आ जाती है। उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है। उसको बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो हाफ होता है उसको बोलते हैं मिकेलियस कॉन्स्टेंट, V max/2। मिकेलियस कॉन्स्टेंट यानी उसका जस्ट हाफ वैल्यू। कुछ सबस्ट्रेट गलती से जाकर बैठ जाते हैं एक्टिव साइट्स में, जिनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना होता वो भी, बट वो उसी सबस्ट्रेट की तरह दिखते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर
अब कोई एंजाइम पेप्टेज है, पेप्सिन है, वो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। एमाइलेज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को नहीं। लेकिन अगर उससे मिलता जुलता कोई स्ट्रक्चर अगर बैठ जाएगा आकर, तो फिर दिक्कत की बात है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर, कंपिटिटिव इनहिबिटर। कंपिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो जाकर सबस्ट्रेट की साइड पे बैठ जाते हैं, उसके तरह दिखने वाले होते हैं। जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस वाले एंजाइम के एक्टिव साइट्स पे सक्सिनेट की जगह मेलोनेट जाकर बैठ गया, तो ये एंजाइम में देखने को ये सब चीज़ें मिलती हैं। अगर एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो एंजाइम के बेटा मुख्यतः 6 क्लासेस होते हैं बड़े, और हर क्लास में 4 से लेकर 13 सब क्लासेस होते हैं, जिनको 4 डिजिट नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। 6 बड़े क्लासेस होते हैं एंजाइम के, और हर क्लास में 4 से 13 सब क्लासेस होते हैं, जिसको हम लोग 4 डिजिट नंबर से डिनोट करते हैं। और ये जो क्लासेस होते हैं ये बड़े क्लास हैं, इनके अंदर बहुत सारे सब क्लासेस हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेस एक पहला क्लास है, अगर दो सबस्ट्रेट हैं, एक रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट है और एक ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट है, अगर पहला वाला रिड्यूस्ड है प्लस दूसरा वाला ऑक्सीडाइज्ड है, तो जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो पहला वाला रिड्यूस हो जाए, पहला वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा वाला रिड्यूस हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। दो सबस्ट्रेट अगर रिएक्ट कर रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड है एक रिड्यूस्ड है, जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो रिड्यूस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसी तरीके से लाइगेसिस का काम होता है जोड़ना, तमाम तरह के बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है। इसी तरीके से ट्रांसफरेज का काम होता है ग्रुप को ट्रांसफर करना। हाइड्रोलिसिस का काम होता है हाइड्रोलाइज्ड करना, जैसे एंजाइम जो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड करने का काम करते हैं, चाहे वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम हो, चाहे लिपिड के लिए हो, चाहे जो हो। लाइएज जो होते हैं वो ग्रुप को रिमूव करने का काम करते हैं। आइसोमेरेज़ जो होते हैं वो एक फॉर्म से, एक आइसोमर से दूसरे फॉर्म ऑफ आइसोमर में कन्वर्ट करने काम करते हैं। लेकिन एंजाइम का सिर्फ यहीं तक रोल नहीं है, एंजाइम में रोल तभी प्ले होगा, एंजाइम काम तभी करेगा जब वो एंजाइम के पास नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट भी मौजूद होगा। और वो नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट जो होते हैं वो होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन और को एंजाइम्स। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर इज ए नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट ऑफ एंजाइम, एंड प्रोटीनेसियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बात करें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो क्या होता है, नॉन प्रोटीनेसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि अटैच्ड होते हैं प्रोटीनेसियस पार्ट ऑफ द एंजाइम से। किससे? प्रोटीनेसियस पार्ट ऑफ द एंजाइम से, टाइटली बाउंड होते हैं। जैसे एक एंजाइम है बेटा, यहां पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने में हेल्प करता है वाटर इनटू ऑक्सीजन में, है ना, और कैटालेज और परऑक्सीडेज, वहां पर हीम नाम का प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद होता है। अगर हम लोग बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप के बाद, यहां पर हम लोग बात करें कोएंजाइम्स की, तो कोएंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वाइटमिन्स वगैरह जो होते हैं कोएंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जो कि पूरी तरीके से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने काम करेंगे। जैसे आप पढ़ते हो एनएडी, कोएंजाइम निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इन सब के पास विटामिन नियासिन होता है एज ए कोएंजाइम। इसके अलावा बेटा पढ़ते हैं हम लोग मेटल आयन जो होते हैं वो साइड चेन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक्टिव साइट्स के साइड चेन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने काम करते हैं। जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है जिंक, रूबिस्को, पेप्को, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इन सबको एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम, कैटालेज, परऑक्सीडेज, इन सबको आयरन, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में इनका रोल होता है। तो कोफैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट कोफैक्टर प्रोटीन कभी भी काम नहीं करेगा।
चाहे वो कितना भी प्रोटीनेसिस एपो एंजाइम हो, जब तक एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर नहीं मिलेंगे यानी होलो एंजाइम नहीं बनेगा, तब तक कोई भी काम होने वाला नहीं है। तो बायोमॉलिक्यूल में